हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर आप भी जो है अपना प्लास्टिक का आधार कार्ड मंगाना चाहते हैं, यानी पीवीसी आधार कार्ड आप भी मंगाना चाहते हैं, तो कैसे मंगा सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर UIDAI की साइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सीधा जो है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। पहला ही आइकन हमें मिल जाएगा, उस आइकन पर क्लिक कर देंगे UIDAI की साइट पर। उसके बाद आपको जो है उसके बाद आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप जो है जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उससे आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने उसका पेज ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। यहाँ से आप जो है स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं अपना PVC कार्ड, यानी कि प्लास्टिक। जैसा कि आपका ATM कार्ड होता है, वैसे ही आपका ऑर्डर जो है आधार कार्ड PVC कार्ड होगा। तो इसको जो है अप्लाई करने के लिए आपको इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर आधार PVC कार्ड। यहाँ से आप जो है अपना आधार जो है ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी PVC का। उसके बाद आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है अपना एनरोलमेंट अगर बुक किया है तो यहाँ से उसका भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हमें जो है आधार कार्ड अप्लाई करना है, प्लास्टिक का कार्ड हमें मंगाना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर को फिल कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तब आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कर देना होगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर यहां पर इंटर करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कर देंगे और आगे प्रोसेस कर देंगे। तो चलिए हम साइट डिटेल्स को फिल करते हैं, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ओके कर देना है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फिर से जो है कंफर्म कर देना है। उसके बाद हमें मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने पेमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। हम यहाँ से डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम और किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पेटीएम का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद कैप्चर को फिल कर देना है। उसके बाद हमें डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से पेमेंट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है पे स्लिप जो आपने पेमेंट किया है उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं इसी नंबर के द्वारा, जो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।